नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीमेल की ईमेल्स में अपना सिग्नेचर कैसे डालते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी को मेल करते हैं तो लास्ट में रिगार्ड्स या फिर थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखकर अपना नाम एंटर करते हैं। लेकिन अगर आप जीमेल में एक ऐसी सेटिंग कर दें जिससे ईमेल कंपोज करते टाइम ये वर्ड या सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ जाए तो कितना अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिकली ईमेल के एंड में ऐड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर RMS लाइव लर्निंग को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का ये रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ दोस्तों न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये सिग्नेचर शो कैसे होता है। अगर आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सबसे नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड्स के साथ मेरा नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। इसी तरह से दोस्तों, आप भी अपना नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गियर आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है। अब जो पेज ओपन होगा दोस्तों, उसमें आप अपनी जनरल सेटिंग में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको बॉटम साइड में स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिग्नेचर। अब आपको सिग्नेचर के इस बॉक्स में अपना सिग्नेचर एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ बेस्ट रिगार्ड्स और नीचे अपना नाम एंटर कर देता हूँ। अब दोस्तों, इस टेक्स्ट को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका, यहाँ से आप फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं। अगर आप इसको लार्ज करेंगे तो इसका साइज लार्ज हो जाएगा, अगर आप इसको यूज करेंगे दोस्तों तो ये ज़्यादा बड़े फॉन्ट में सेट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से इसमें अंडरलाइन लगा सकते हैं और अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका कलर भी चूज कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर कोई लिंक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो किसी वेब पेज को यहाँ से लिंक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इमेज ऐड करना है दोस्तों इसमें, तो यहाँ पर इस इंसर्ट इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ऑनलाइन इमेज या फिर अपने कंप्यूटर की गैलरी से कोई इमेज सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इस टेक्स्ट का अलाइन सेट कर सकते हैं और अगर नंबरिंग या फिर बुलेट साइन ऐड करना है तो यहाँ से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, अगर आपको इस सिग्नेचर का इंडेंट सेट करना है तो यहाँ से आप इसका इंडेंट सेट कर सकते हैं, ये देखिए। फाइनली सिग्नेचर एंटर करने के बाद दोस्तों, आपको बॉटम साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेव चेंजेस का बटन है, इस पर आपको फाइनली क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप कोई न्यू ईमेल कंपोज करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका सिग्नेचर शो हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी के साथ RMS लाइव लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।